नाम है आरोही आबाद फ्रॉम 7C। विषय है भारत 2025 में कैसा होगा। स्वतंत्रता के साथ भारत में हुआ नवयुग का आरंभ, लोगों ने पाई खुशी, हुई प्रगति प्रारंभ। 2021 से 2025 तक भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना है, भारत को विकास की राह पर आगे बढ़ाना है तो हमें नई नई तकनीकों को अपनाना होगा। भारत अगर नई नई तकनीकों का उपयोग करता है तो 2025 में भारत एक विकसित देश कहलाएगा। इस समय देश में मोबाइल इंटरनेट यूज़र 100 से 130 मिलियन हैं, जो 2025 में 700 से 900 मिलियन हो जाएंगे। स्मार्टफोन यूज़र जो 16 मिलियन हैं, वह 2025 में 700 मिलियन हो जाएंगे। डिजिटल भुगतान जो अभी सिर्फ 6% हो रहा है, वह 2025 में 60% होगा। हमारा भारत देश इसी तरह आगे बढ़ेगा। भारत देश में बेरोजगारी जैसी समस्या पनप रही है। यदि भारत देश को 2025 में एक विकसित देश बनना है तो युवाओं को रोजगार देने की आवश्यकता है। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी बोले हैं कि दुनिया ने टीबी को ख़त्म करने के लिए 2030 तक का समय तय किया है, लेकिन भारत ने अपने लिए यह लक्ष्य 2025 रखा है। देश में नौकरियों के साथ साथ व्यावसायिक उत्पादन के विषय में चर्चा करने की आवश्यकता है। अगर भारत के लोग इस क्षेत्र में कदम रखेंगे तो 2025 तक भारत का विकास दर बढ़ेगा और सभी लोगों को आगे आने का मौका प्राप्त होगा। 2025 में शिक्षा नीति कम से कम 50% बढ़ जाएगी। व्यावसायिक शिक्षा को विद्यालय और विश्वविद्यालय में नियमित पाठ्यक्रम से शामिल किया जाएगा। छात्रों को कक्षा 5 से ही व्यावहारिक प्रशिक्षण से परिचित किया जाएगा। विकसित देशों की श्रेणियों में भारत अपने आप को रख सकता है। हम सभी ऐसी आशा करते हैं कि 2025 में भारत एक विकसित देश कहलाएगा और 2025 में भारत एक विकसित देश बनकर सबको दिखाएगा। हमारा भारत देश हमेशा आगे था, आगे है और आगे रहेगा।